हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज डिस्पर्शन का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। पिछले लेक्चर में हमने क्वार्टाइल डिविएशन कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट किया, उसमें सम नंबर 8 रह गया। 11 स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो 11 स्टैंडर्ड के लिए सम नंबर 8 रह गया, वो आप प्रैक्टिस करना। सेम टू सेम है, कुछ नया नहीं है, जो हमने 7 तक किया था सेम वैसा ही है, तो 8 वाला आप प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं बढ़ रहा हूं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। 13 स्टैंडर्ड के लिए ये सब सम प्रैक्टिकली है, आप आपके टेक्स्ट बुक के सम्स को रेफर करो, जो मेथड दे रहा हूं उस मेथड से आप सम सॉल्व करो। नहीं आएगा कमेंट करना, उसका सॉल्यूशन 101% मिलेगा। क्लियर, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। फाइंड द वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। क्या क्या फाइंड करना है? वेरियंस फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है। अगर आप वेरियंस फाइंड कर लेते हो तो स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत सिंपल है। वेरियंस अगर आपको मिलता है तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है रूट ऑफ वेरियंस। मतलब अगर वेरियंस मिल गया तो स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। तो मेन फोकस किसके ऊपर करना है? वेरियंस के ऊपर। अगर वेरियंस मिलता है तो स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत इजी मिलेगा। तो वेरियंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? वेरियंस फाइंड करने का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा मतलब डबल डेटा जो होता है उसके लिए ये फॉर्मूला है। वेरियंस फाइंड करने का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स। देखो यहाँ पे एफ एक्स आ गया है। एफ एक्स मतलब कितने कॉलम? दो कॉलम। जब दो कॉलम का डेटा है तो वेरियंस इस तरह से हम फाइंड करेंगे। रॉ डेटा का भी फॉर्मूला पहले एक एक करके कंसेप्ट क्लियर करते, फिर रॉ डेटा और ग्रुप डेटा सब सम करेंगे। क्लियर, पहला सम अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिंगल ही दिया है, आप देख सकते हो नंबर दिया है 7, 11, 2, 4, 9, 6, 3, 7, 11 ऐसा दिया है। बट और ध्यान से अगर देखोगे तो कुछ नंबर्स ऐसे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम पहले इस डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। सबसे पहला मैं देख रहा हूं 7, तो 7 एक बार है, दो बार है, 7 दो बार है। फिर उसके बाद 11 कितनी बार है? सर 11 भी दो बार है। फिर उसके बाद अगर ध्यान दो तो उसके बाद सर 2 है और 2 तीन बार है। मतलब आप देख सकते हो आपके पास जो नंबर है सबसे छोटा नंबर में 2 है और सबसे बड़ा नंबर मेरे पास है 11। तो यहाँ पे मैं पहला कॉलम बना रहा हूँ एक्स का, इसमें लिख रहा हूं नंबर। नंबर सबसे छोटा नंबर है 2, 3 है क्या? देखो हाँ सर 3 है। 4 है क्या? हाँ सर है। 5 है? 5 है पक्का, ठीक है। 6 है? 7 है? 8? 9? 10? नहीं 11? तो 10 नहीं लिखा मैंने, जो है नहीं उसको लिख के क्या मतलब? बात समझा? तो मेरा x का कॉलम, x मतलब नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये है। अब मैं इसका फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर करूंगा। ये जो 2 है ये कितनी बार है? यहाँ पे 2 कितनी बार है? 3 बार है। बात समझ में आया क्या? 3 कितनी बार है देखो जरा, सर 2 बार है। 4 कितनी बार है? 1 बार है। 5, 6 3 बार है। 7, 8, 9, 11 बात समझ में आया? डबल कैसे प्रेजेंट किया समझ में आया क्या? क्योंकि नंबर रिपीट हो रहा था इसलिए मैंने इसे दो कॉलम में कन्वर्ट किया। अंडरस्टूड? पक्का? अब क्या करना है मुझे? वेरियंस और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है। तो जब भी आपको वेरियंस फाइंड करना है तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है मीन फाइंड करना। क्या फाइंड करना? मीन। मीन मतलब एवरेज, जो हमने इस पहले लेक्चर में सेंट्रल टेंडेंसी में देखा है। मीन यानी कि एक्स बार। एक्स बार का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, या तो आप जिसे एन भी कहते हो। तो यहाँ पे कॉलम बनेगा जिसका नाम होगा एफ एक्स, इनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 3 6, 3 2 6, 4 5 18, 14 24, 9 22। अब इसका भी टोटल लेना है और इसका भी टोटल लेना है, मतलब एफ एक्स का भी टोटल लेना है और एफ का भी टोटल लेना है। तो एफ एक्स का टोटल फटाफट करो कितना आ रहा है? 108। और एफ का टोटल 18 18,
चलिए ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को। अब x बार फाइंड करेंगे, x बार का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, कितना है 108 डिवाइडेड बाय 18, तो 108 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अरे समझा, पक्का समझा, 100% x बार आ गया। अब फॉर्मूले के हिसाब से समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, मतलब पहले अपने को एक कॉलम बनाना पड़ेगा जो एक्स स्क्वायर होगा, x तो आपके पास है, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 49, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, x स्क्वायर आ गया। टीनू अब इसके बाद क्या करना है, f को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे आएगा fx स्क्वायर का मतलब है f into x square। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में होता है सर ये एफ एक्स है इसका स्क्वायर कर दो ना हो जाएगा, मैं बोलूंगा नहीं, अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में एफ एक्स स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे सिर्फ x का स्क्वायर करना है, एफ एक्स का स्क्वायर नहीं करना है, बात समझाना। चलिए ठीक है, मतलब अब ये इंटू ये मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 9 2 जा 18, 16 1 जा 16, 25 1 जा 25, 36 3 जा 108, क्या बात है 108, 49 इंटू 2 98, 64 इंटू 3 192, 81 एंड 242, अब इसका टोटल करना पड़ेगा, बात समझ में आया, इसका टोटल 792, अंडरस्टूड, अरे बात समझाइए। चलिए अब आ जाते हैं वेरिएंस फाइंड करने पे, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर आपके पास है, हाँ सर, 792 अपॉन एफ कितना है 18 माइनस एक्स बार कितना है 6 इसका स्क्वायर। अरे समझा, ये वैल्यू समझ में आया कैसे सब्स्टिट्यूट किया, एफ एक्स स्क्वायर समेशन मतलब टोटल होता है, तो इसका टोटल लिखा 792, एफ का टोटल कितना है 18 है, एक्स बार का टोटल, तो एक्स बार अभी आपने फाइंड किया है, एक्स बार कितना है 6 इसका स्क्वायर करना है, तो इधर डिवाइड कर दो कितना आ रहा है 44 माइनस 36 बराबर है, वेरियंस इज इक्वल्स टू 8, तो क्वेश्चन में वेरियंस पूछा था, वेरियंस मिल गया। अब क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन भी पूछा है, स्टैंडर्ड डिविएशन एस डी या तो इसका एक ऐसा साइन होता है सोया हुआ छे, इसे स्टैंडर्ड डिविएशन भी कहते हैं, या तो एस डी या तो स्टैंडर्ड डिविएशन का साइन, तो एस डी इज इक्वल टू रूट ऑफ वेरियंस दैट इज रूट ऑफ 8। अब 13 स्टैंडर्ड को कैलकुलेटर अलाउड है, उसमें रूट का बटन होता है 8 और रूट का बटन प्रेस करोगे आंसर आ जाएगा, बट 11 स्टैंडर्ड को अलाउड नहीं है, तो 11 स्टैंडर्ड क्या करेगा, 8 मतलब 4 2 जा 8 होता है सर, 4 का रूट क्या है 2, 2 रूट 2 आ जाएगा, अरे बात समझा क्या, तो 11 ऐसे सॉल्व करेंगे और 13 क्या करेगा रूट 8 का डायरेक्टली आंसर निकालेगा, जो भी पॉइंट में आंसर आएगा 13 स्टैंडर्ड इधर पॉइंट में आंसर लिख दे, बात समझ में 2.8282 समझ में आया क्या, रूट 8 का आंसर आप लोग 13th वाले ऐसे लिखेंगे और 11th वाले ये आंसर लिखेंगे, आई होप आपको इतना समझ में आया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, देखते सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकेंड क्वेश्चन दिया है 65 77 81 98 100 80 129, इतना ही क्वेश्चन दिया है और क्या पूछा है, वापस से आपको यही पूछा है फाइंड द वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ पे पहला कॉलम ले लेता हूं मैं एक्स का, बताओ क्या क्या दिया है, 65 77 81 98 100 80 8 120, यह आपका एक्स का कॉलम दिया है बराबर है। अब जरा ध्यान देना, इधर भी सेम था, आप लिख सकते थे नंबर्स सिंगल, ऐसा ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं थी, इस सम को भी आप कर सकते थे, बट यहाँ पे नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, यहाँ पे रिपीट हो रहे थे तो मैंने इसे ग्रुप बना दिया, भाई ये नंबर 2 3 बार रिपीट हुआ, नंबर 3 2 बार रिपीट हुआ, तो इसको मैंने ग्रुप बनाया, बनाना है तो बना सकते हो, नहीं तो रॉ डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो रॉ करने के लिए वेरियंस का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन, या तो फिर समेशन एक्स
द होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। दो फॉर्मूले जो तुमको अप्लाई करने को इजी लगता है वो सेम चीज थर्टीन वाले को भी बोल रहा हूं, थर्टीन को भी सेम है, इलेवन को भी सेम है। एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन द होल या तो फिर समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, सब में एक्स बार तो चाहिए, एक्स बार तो चाहिए, एक्स बार तो चाहिए, मतलब मीन तो फाइंड करना ही पड़ेगा। बात समझा गया? तो पहले मीन फाइंड करते, रॉ डेटा का मीन कैसे फाइंड करते, तो रॉ डेटा का मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स मतलब एक्स का टोटल लेना पड़ेगा, तो इसका सब का 65, 77, 81, 98, 100, 81, 90, 129 टोटल 630। बात समझ में आया? कितने ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहां पे आएगा 630 डिवाइड बाय 790। अरे बात समझा, ये समझा, तो मुझे x बार मिल गया। अब सर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, उन्होंने कहा ये बेटर है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर भी कर सकते हो, या तो समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, जो तुमको इजी लगता है वो करो। x माइनस एक्स बार करना है तो छोटा हो जाएगा नंबर, और इसमें नंबर का स्क्वायर बड़ा आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे x माइनस एक्स बार ये आपके पास है और नंबर भी आपके पास है तो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉलम x माइनस एक्स बार पहले प्रिपेयर करते हैं। x आपके पास है, कितना है पहला x, एक्स बार कितना है 90. तो 65 माइनस 90 करो, कितना आ रहा है -25। अरे बात समझा गया पक्का, यहाँ पे -13 -9 8 10 -10 39। ये समझा क्या किया मैंने ब्रज, एक्स का कॉलम अपने पास है, x बार अपने पास है, 65 में 90 माइनस किया, 77 में 90 माइनस किया, 81 में 90 माइनस किया, 98 में 90 माइनस किया, 100 में 90 माइनस किया, 80 में 90 और 129 में 90 माइनस किया। मोरिया क्लियर है? अब इसका कॉलम का स्क्वायर करना है, x माइनस x बार द होल स्क्वायर करना है, तो सबका स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर 625, 13 का स्क्वायर 169, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 100, 100, यहाँ पे 39 का स्क्वायर 1521। अब इसका टोटल नेसेसरी है, टोटल करना पड़ेगा ना, तो चलो इसका फटाफट टोटल करो, कितना आ रहा है 2660। क्लियर? अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन x माइनस x बार द होल स्क्वायर अपॉन n। x माइनस x बार कितना है 2660, n मतलब कितना था 7, which is equals to 380। ये समझ में आया पक्का? समझा? अब ये मिलने के बाद क्या करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है, और स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है रूट ऑफ वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 380। 13 स्टैंडर्ड कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 19.49, बराबर है। बट 11 स्टैंडर्ड कैसे करेंगे, तो इसका फैक्टर्स निकालेंगे, 380 का फैक्टर निकालेंगे। कैसे? तो 380 कौन से टेबल में जा रहा है, तो देखेंगे जैसे 2 के टेबल में, 2 1 जा 2 बैलेंस, 2 9 जा 18 0, 19 1 जा 19 0, 2 5 जा 10 5 1 जा, बराबर है, 19 2 जा 38, या तो 2 into 2 4 कर दो और 19 into 5 कर दो, तो इधर फैक्टर आपको चाहिए, तो SD आ जाएगा रूट ऑफ 4 into 19 into 5, 4 का रूट हो जाएगा 2, रूट ऑफ 19 5 जा 9 5 जा 45, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 2 रूट 95। बात समझ में आया? ये 11 स्टैंडर्ड के लिए, बट 13 के लिए क्या करना है भाई, रूट का बटन प्रेस करो, आपको आंसर आ गया। समझ में आया क्या? पक्का क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या दिया है। कंप्यूट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। वापस से अभी यहां पे ग्रुप डेटा डायरेक्टली दिया हुआ है, एक्स और एफ दोनों कॉलम दिया है। चलो पहला कॉलम बताओ एक्स, दूसरा एफ। एक्स का वैल्यू क्या है, 2, 4, 6, 10। एफ का वैल्यू 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर है? सिंपल। अब वेरिएंस भी फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है, तो सबसे पहला तो एफ एक्स का कॉलम लगेगा, तो ये 10
16, 18, 16, 10. देखो 11 स्टैंडर्ड को कैलकुलेशन छोटा है, बट 13 को कैलकुलेशन बड़ा आएगा, कंसेप्ट यही रहेगा. फर्क क्यों है? कैलकुलेटर है इसलिए. समझ में आ रहा है तो ज्यादा ऐसा मत समझो सर, सिंपल सिंपल समझे. सिंपल 11 के बेसिस के हिसाब से ले रहा हूं, बट 13 को सेम क्वेश्चन बड़े नंबर के साथ करना है. कंसेप्ट कुछ भी अलग नहीं होने वाला है. क्लियर है? तो कॉलेज में अगर आपके सम्स हो रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर, तो अगर नंबर्स बड़े हो रहे हैं, कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा सर आपने पढ़ाया नहीं. कंसेप्ट यही है, इसी बेसिस पे आपको सम सॉल्व करना है, फॉर्मूला भी यही अप्लाई करना है. ठीक है, चलिए ठीक है. अब ये आ गया तो एफ एक्स का टोटल लेना पड़ेगा. इसका टोटल 70, एफ का टोटल 9, 10, 15. देयरफोर एक्स बार का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ 70 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 4.667. रिकरिंग नंबर है. क्लियर है क्या? चलिए ठीक है, एक्स बार तो मिल गया. अब रिया क्या करना है, इधर एक कॉलम बनेगा, वो है एक्स स्क्वायर का. एक्स स्क्वायर बनेगा तो एफ एक्स स्क्वायर होएगा, तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100. क्लियर है? x 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100. अब क्या करना है, f इनटू x स्क्वायर. यहां पे ध्यान दो. चलो 5 4 जा 4 इनटू 16 64, 36 इनटू 3 108, 64 2 जा 128, 100 1 जा. अब इसका टोटल करना पड़ेगा 420. क्या बात है, समझ में आया ये? क्लियर. अब आ जाते हैं फॉर्मूले वराइंस पे. वराइंस का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर. एफ एक्स स्क्वायर कितना है? 420. एफ का टोटल कितना है? 15 माइनस 4.666 द होल स्क्वायर. मतलब इसका स्क्वायर करना है, बराबर ये आपके पास है. अब स्क्वायर मतलब दो बार नंबर मल्टीप्लाई करना है. 4.66 है, आप दो डिजिट तक लेना चाहो 11 स्टैंडर्ड तो दो डिजिट तक लेगा. 4.67 करना है, 4.67 इनटू 4.67 करना है. और 13 वाले पूरा कैलकुलेटर पे लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे. 13 वाले जब कैलकुलेट करेंगे तो 4.66, जब तक कैलकुलेटर पे 6 खत्म नहीं होता तब तक लिखना है, इनटू 4.666 ऐसे करना है डबल दो बार. क्लियर? और 11 स्टैंडर्ड भाई दो डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है. तो यहाँ पे 420 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो आपको आंसर आ रहा है, 420 डिवाइडेड बाय 15 करो कितना आ रहा है आंसर, 28 पॉइंट कुछ आ रहा है कि खाली 28 है? 28 माइनस 4.67 करो स्क्वायर कितना आ रहा है, 21.77. क्या बात है, समझ में आया यहां तक? पक्का क्लियर है? अब क्या करना है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो वेरिएंस का आंसर आ जाएगा 21.6219. कितना? 6.2219. ये समझा? अब 11 थोड़ा डर जाएंगे. क्यों? क्योंकि सर पॉइंट आया तो रूट कैसे निकालेंगे, ज्यादा दिल पे लेना नहीं है. स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 6.2219, इतना लिख के छोड़ दिया तो बस हो गया, आपको इतने पे भी मार्क्स है. क्योंकि इसका रूट निकालना आपके लिए डिफिकल्ट है, बट 13 इसका रूट कैलकुलेटर पे निकालेंगे. 6.219 रूट का बटन प्रेस करोगे तो आपको जो भी आंसर आएगा वो आपको लिख देना है. आई होप आपको ये सम समझ में आया है. वैसे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेम टू सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है. जरा ध्यान देना कुलदीप फटाफट. कंप्यूट द वराइंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स और एफ. एक्स का वैल्यू बोलो क्या है, 1359, और f का वैल्यू 5 10 20 10 5. क्लियर है? पहला कॉलम एफ एक्स का 5 30 100 70 45. इसका भी टोटल और इसका भी टोटल करना है, बराबर है? इसका टोटल 50 है और इसका टोटल कितना, 250. therefore x बार का टोटल क्या आएगा, तो समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ बोले तो 250 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल्स टू 5
एक्स बार मिल गया, फिर हमको एक कॉलम बनाना है, वो है एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर, सेवन का स्क्वायर, नाइन का स्क्वायर, बराबर है। अब एफ एक्स स्क्वायर मतलब एफ इंटू ये, तो फाइव एंड 405, इसका टोटल करना होगा 1490। बात समझ में आया, क्लियर है? चलिए ठीक है, अब वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर कितना है? एफ एक्स स्क्वायर 1490, एफ का टोटल 50, माइनस एक्स बार कितना है 5 द होल स्क्वायर, इधर डिवाइड करो कितना आ रहा है वेरिएंस 29.8, माइनस 25 हो जाएगा, देयरफॉर वेरिएंस इज इक्वल्स टू 4.8। अरे ये समझा, चलिए ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करेंगे तो रूट ऑफ वेरिएंस मतलब रूट ऑफ 4.8, 11th स्टैंडर्ड क्या करेंगे इसके आगे, तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 48 अपॉन 10 कर देंगे। 48 अपॉन 10 क्यों किया, पॉइंट था एक डिजिट निकाल दिया 10 से मल्टीप्लाई करके, बात समझा। अब आपको चाहिए तो आप इधर कैंसिलेशन करके फिर रूट निकाल सकते हो, जैसे 4 2 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कैंसिलेशन कर दिया, और कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इतने पे लाके छोड़ेंगे तो भी चलेगा, या तो 4.8 पे छोड़ा तो भी चलेगा। कैलकुलेशन जितना आप कर सकते हैं 11th स्टैंडर्ड को उतना करना कंपलसरी है। और एक सम लेता हूं फिर वाइंड अप करता हूं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्या दिया है, सेम दिया है, कुछ ज्यादा नहीं दिया है। फॉलोइंग डेटा गिव्स द एज ऑफ 100 स्टूडेंट इन अ स्कूल, कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एज दिया है मतलब एक्स का कॉलम दिया है और एफ का कॉलम दिया है। चलिए बताइए एक्स का वैल्यू 10, 11, 12, 13, 14, बस इतना ही है। बताइए फ्रीक्वेंसी 10, 20, 40, 20, 10, क्लियर। अब इसके लिए अपने को एक एफ एक्स का कॉलम लगेगा, 100, 220, 480, 260, 140, इसका टोटल भी लेना है और इसका भी टोटल। इसका टोटल 100 रहेगा, क्वेश्चन में पहले दिया है, और इसका टोटल 1200, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्स बार पे, एक्स बार का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ 1200 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 12, क्लियर है। अब इधर एक कॉलम बनेगा, वो कौन सा रहेगा, एक्स स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 144, 169, 196, बराबर है, क्लियर। अब F से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स स्क्वायर तो 100 इंटू 10 1121 कितना 2420 5760, क्या बात है, फिर 3380। आई होप इतना सबको समझ में आ रहा है। अब इसका टोटल ले लेंगे, टोटल कितना है 14520, क्लियर हो गया। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर है 14520 अपॉन 100 माइनस 12 द होल स्क्वायर। 100 मतलब दो के बाद सीधा पॉइंट, 11th स्टैंडर्ड के लिए बोल रहा हूं, 100 मतलब दो डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये होएगा 145.20। आप कैलकुलेटर में भी करोगे तो सेम मिलेगा, माइनस 144, 145 में 144 माइनस करोगे 1.20 आ जाए, बात समझा। अब स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है रूट ऑफ वेरिएंस मतलब रूट ऑफ 1.2, 20 मतलब 1.2, 13 रूट प्रेस कर लेंगे और 11 इतना लाके छोड़ देंगे। आप इसको 12/10 भी कर सकते हो, क्लियर है, पक्का समझा। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।